नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने नजर आ रहे हैं, तो वहीं हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव के दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र की जानकारी अभी तक हम आपको देंगे। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है वो कुशेश्वर स्थान, गौराबरान, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, हयाघाट, दरभंगा शहरी, केवटी और जाले की जानकारी अभी तक हम आपको देने जा रहे हैं, जो अभी तक की जानकारी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आपको पता है, 2 सिटिंग MLA यहां चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक RJD से वही दूसरा BJP से, संजय सुरावगी और अमरनाथ गामी मैदान में है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे BJP से संजय सुरावगी आगे चल रहे हैं। जी हाँ, संजय सुरावगी 25,921 वोट है, वही अमरनाथ गामी 22,562 वोट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी BJP आगे चल रही है। वही दूसरे अगर हम आ जाते हैं तो केवटी विधानसभा क्षेत्र से, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि NDA से यहाँ पे है मुरारी झा, वही दूसरी तरफ RJD से है अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है मुरारी झा आगे चल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे मुरारी झा आगे चल रहे हैं, उनको कुल वोट है अभी तक 18,858। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है RJD के कद्दावर नेता है, वो उनको अभी तक जो वोट मिला है अभी तक 13,829। अभी भी आगे का जो अभी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर अभी वही अगर हम तीसरा आ जाए हयाघाट विधानसभा क्षेत्र पे, तो हयाघाट विधानसभा क्षेत्र से RJD से जो है भोला यादव वो आगे चल रहे हैं, उनको अभी तक जो मिला है 15,232। वहीं अगर NDA से देखा जाए तो रामचंद्र प्रसाद है 15,007 वोट लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है दोनों के बीच, महज 200 वोट का ही फर्क देखा जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं दरभंगा ग्रामीण की। यही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 सिटिंग MLA दोनों चुनावी मैदान में हैं। डॉक्टर फराज फातमी जो केवटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, और वहीं ललित यादव जो दरभंगा ग्रामीण से 25 सालों से विधायक है। तो मैं आपको बता दूं कि दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव राजद से जो आगे चल रहे हैं 25,741 वोट को लेकर, वहीं फराज फातमी है 17,591 वोट को लेकर आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। यह कहीं ना कहीं यहाँ पे RJD अभी आगे चल रही है। वही हम बात कर लेते हैं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जो यहाँ पर VIP के जो कैंडिडेट हैं मिश्री लाल 18,823 यानी आगे चल रहे हैं मिश्री लाल, और राजद के जो है विनोद मिश्रा 13,147 यानी पीछे चल रहे हैं। तो वही बेनीपुर की अगर हम बात करें तो JDU से है अजय विनय चौधरी जो आगे चल रहे हैं, 17,745 वोट अभी तक मिला है उनको। अब वही कांग्रेस से हैं मिथिलेश कुमार चौधरी जो 16,561 वोट अभी तक मिला है। तो वही हम अगर आगे बात कर लेते हैं गौराबरान विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो यहां पर स्वर्णा सिंह जो आगे चल रहे हैं NDA के उम्मीदवार हैं, 9,762 वोट अभी तक मिले उनको। वहीं RJD से जो उम्मीदवार हैं अफजल अली खान 7,372 वोट अभी तक आए हैं उनको। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं बहादुरपुर से JDU के मदन सैनी है, जी हाँ JDU के जो कद्दावर नेता मदन सैनी है वो आगे चल रहे हैं, 8,448 वोट अभी तक मिले हैं। वहीं RJD से रमेश जी है वही 7,787 वोट मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं जाले विधानसभा क्षेत्र से। जाले विधानसभा क्षेत्र का जो मुकाबला काफी रोचक है, वहां से जो पहले विधायक रह चुके हैं जिवेश कुमार, उनकी अगर हम बात करें तो वो आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जाले विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं जिवेश कुमार, 22,291 वोट अभी तक आए हैं उनको। वही कांग्रेस से डॉक्टर मस्कूर अहमद उस्मानी है, उनको अभी तक 16,546 वोट मिले हैं। तो भाई हम बात कर लेते हैं कुशेश्वर स्थान से अभी तक जो है शशि भूषण जो NDA के उम्मीदवार हैं 10,143 यानी आगे चल रहे हैं NDA के उम्मीदवार। वहीं कांग्रेस से जो है डॉक्टर अशोक कुमार 9,149। तो ये 10 विधानसभा क्षेत्र की जानकारी हम आपको अभी दे रहे थे। जैसा कि मैं आपको बताया, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, गौराबरान, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, हयाघाट, दरभंगा शहरी और केवटी और जाले की ये जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम लोगों को जानकारी मिलती रहे। फिर हम आपको आगे की अपडेट, तमाम छोटी बड़ी अपडेट हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव खास करके दरभंगा जिले से हम आपको देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में अभी बस इतना ही, फिर हम आगे आपको अपडेट देते हैं। धन्यवाद।